बर्बाद कर दिया देश को। कमाल है, जीएसटी कभी खाने पर देखी थी आपने? आज खाने पर भी जीएसटी लगा दी। जीडीपी भी तो बढ़ रही देश की। ओ जीडीपी, आप कह रहे हो इस बात को? देख लो जीडीपी कहाँ है, बांग्लादेश से भी नीचे है। अंधे अंधे भगत हो आप मीडिया वाले, बिल्कुल अंधे। आप मीडिया जैसे कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसे पत्रकार हैं। काहे का विरोध? हम जनता है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, वोट देते हैं हम वोट देते हैं। किस लिए देते हैं वोट? किसको दिया था वोट आपने? सरकार को देते हैं, कोई भी आ जाओ, हमारी तरफ से कोई सरकार आ जाओ वोट देते हैं, अधिकार नहीं है हमारा तो हम लड़ेंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बने युवा, कहाँ बनना है हमारा पढ़े लिखे? अरे हमारा पढ़े लिखे बच्चे आज मजदूरी भी नहीं मिल रही, आज मजदूरी भी नहीं मिल रही। हाँ, जहाँ 500 मजदूर काम करते थे वहाँ एक जैसी भी काम कर रही है। टेक्नोलॉजी तो इन्होंने इतना मजदूर बेचारे बेरोजगार हैं। अब नेता जी से पूछो, लेकिन जनता पसंद क्यों कर रही है इनको आखिर? कहाँ कर रही है? बेईमाना, बेईमान, इतने बेईमान है। हमने मशीनें पकड़ी दुनिया भर की घोटाले में, अरे हम राष्ट्रहित में काम करते हैं सारे। ये पूछो नेता जी से पूछो। देखिए जनता को तो हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसा देते हैं, वो विकास के नाम पे या महंगाई के नाम पे वोट थोड़ी मांगते हैं। वो तो कहते हैं हिंदू हो और मुसलमानों का डर दिखाते हैं। मुसलमान तो मिला था। अरे भैया मंदिर, अरे भैया मंदिर मंदिर बना है तो सुप्रीम, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है वो मंदिर। हमको हम तब कह रहे हैं कि मंदिर ना बने, मंदिर बनाओ लेकिन रोजगार तो दो। जो मोदी जी ने वादा किया था दो करोड़ रुपए रोजगार देने का, उसका क्या हुआ? और आज जो वो तो जुमला था ना, अमित शाह जी ने कहा ना, चुनावी जुमले आठ साल होगी सरकार को आई को, जुमलेबाजी तो ही जीतते हैं, बकवास कर जीतते हैं, ईमानदारी से नहीं जीतते। अमित शाह इतना तली पहाड़ है, क्यों नहीं जाता बाहर विदेश? वो दूसरों पे वो ऑब्जेक्शन लगा रहा है, वो क्यों नहीं जाता बाहर विदेश में? जाओ ना, वोट क्यों मिलता फिर इतना? बेईमान है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहीं रहा ही नहीं। आप भी हिंदू मुस्लिम में जाते नहीं? हम तो नहीं आते, हम तो इंसानियत देखते हैं। हम इंसान है, हम पहले हमारे लिए इंसान है। भारतीय हैं, कोई नहीं है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। कई महीनों से बेरोजगार युवा सड़कों पर है लेकिन सरकार नहीं सुन रही उनकी। नहीं सुन रही है, उनकी बहरी सरकार को सुनना पड़ेगा। आज तो हमारे हैं, कल हम अपने बच्चों को लेकर बैठेंगे रोड पे, हम नहीं छोड़ेंगे। मीडिया बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल नहीं चलाती है, वो चलाएंगे ही नहीं। मैं बता रही ना, कुछ पत्रकार कुछ चैनल ऐसे हैं जिसे धमकी देते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसी बात दिखा दी तो हम तुम्हें या तो मरवा देंगे या देश निकाला दे देंगे। मीडिया उनके दबाव में है। मंदिर मस्जिद पर 10-10 दिन डिबेट चलती है तो बेरोजगारी बनेगी। तो यही तो चाहती है सरकार, यही चाहती है कि ये दिमाग, यही चाहती है कि जनता इसी में ही उलझ जाए ना, बच्चों को पढ़ाई ना लिखाई ना खाना। महंगाई पे कोई बात हो, कोई भी नहीं होती। जो अगर आप भी करोगे तो आप भी अंदर जाओगे। सीबीआई ईडी की धमकी देते हैं, हमें दो सीबीआई ईडी की धमकी। सारे आंदोलन जितनी जनता खड़ी ना पूरे देश की, हम भरेंगे जेल, देखेंगे कितने एक बड़ा यो हो रहा, हम भरेंगे जनता। आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से हैं, मुस्तफाबाद से। आपको भी रोजगार चाहिए? हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, पढ़ लिखने के बाद भी अच्छे बेरोजगारी फिर उनको रोजगार नहीं है तो ये बताइए करेंगे क्या? बच्चों को रोजगार चाहिए जी, बच्चों को रोजगार। 8 साल में मिला नहीं रोजगार? क्या मिला बताओ आप? रोजगार मिली हमारे बच्चों को? कुछ मिला? आज एमडी करने के बाद भी वो अपनी क्लिनिक खोल के बैठे हैं, आज तक कोई उनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली, और जिनको मिली है तो उनको भी निकाल दिए गए हैं। बताइए कौन से मिला? तो देर नहीं हो गई या कुछ आपको नहीं? क्या देर हो गई बताइए? 8 साल लग गए हमको। हाँ तो 8 साल नहीं, 10 साल हो गए। मांग रहे मोदी जी से पुराने दिन ला दे हमारे। अच्छा, हमारे तो पुराने दिन ला दे। अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो पुराने दिन वापसी दे दो, वो बढ़िया हमारे तो। और वो कहते हैं आप लोग तो आंदोलन, नोटबंदी में बेड़ा गर्क कर दिया। आंदोलन कहते हैं आपका काम तो आंदोलन कर रही है, वो तो कौन कह रहे? तो हम भूखे मरेंगे, भाई हम भूखे मरेंगे, हमारे बच्चे नौकरी पर नहीं जाएंगे, काम नहीं मिलेगा तो हम तो आंदोलन करेंगे, हम तो करेंगे। अब तो हम अकेले आए, अब हमारे बच्चे भी आएंगे रोड पे, हम नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें तो मंदिर उंदिर नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। मंदिर खाने को दे रहा है, मस्जिद खाने को दे रही, गुरुद्वारा खाने को दे रहा है, सिर्फ मेहनत करेंगे रोटी लेंगे। मंदिर का कोई फायदा नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अगर आपके दिल में भगवान का खौफ है, अल्लाह का खौफ है, वाहेगुरु का खौफ है ना, तो आप अपने घर में बैठे पूजा करोगे, आपका घर सब
सबसे बड़ा मंदिर है, वो मंदिर नहीं चाहिए। आप सरकार क्यों ध्यान दे रही है मंदिरों पे इतना? सरकार की भाई वो उनकी चाहिए ना, उनका उनका दिमाग है, उनका दिमाग है। हमें नहीं चाहिए, हमें ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना गुरुद्वारा चाहिए। हमें तो सिर्फ रोजगार चाहिए, जो हमारे बच्चे पढ़े और हमारा देश। महंगाई को लेकर पहले स्मृति ईरानी बड़े आंदोलन करती है, आज कहाँ है? आज का बिना जीते, देखो कमाल की बात, बिना इलेक्शन जीते हार जाने के बाद भी मंत्री बना देते हैं उसे। आज तीन तीन मंत्रालय दे दिए उसे, हेमा मालिनी को एक भी नहीं दिया। क्यों भाई, वो औरत नहीं है? तो जीत गई अमेठी से देखिए, जब ही तो चाहे तीन तीन चार चार दे दिए। सर जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी कर रही है, आप लोगों के पास उसके कार्ड नहीं है? देखिए कार्ड तो देखिए जनता होती है, जनता ने उसे बिठाया है। वो मैं तो आने वाला जो 2024 का चुनाव है उनको पता लग जाएगा कि जिस हिंदुत्व के नारे के ऊपर वो आए, आज वही हिंदू भूखा मर रहा है। वो तो अभी से कहने लगे सर, वही हिंदू भूखा मर रहा है, वही हिंदू बेरोजगार है, वही हिंदू जो है आज मारा मारा फिर रहा है। तो हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं ना, तो हिंदू सबसे ज्यादा हिंदू परेशान है। मुस्लिम तो खैर है ही नहीं एजेंडे में उनके, लेकिन हिंदू कौन सा खुश है? आप मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, मुसलमान तो दुश्मन है उनका, इस सरकार का कहा दुश्मनों कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं 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 नहीं, ये रोजाना हिंदू मुस्लिम के झगड़े, ये जो योगी का जो चल रहा है यूपी में, जो चल रहा है, जो देख रहे हो यूपी के अंदर क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चल रहा है। अभी अग्निवीर योजना के अंदर हजारों बच्चों ने बसें जला दी, ट्रेनें जला दी, कोई FIR नहीं। अगर यूपी में कोई मुस्लिम करता है तो उसके घर को तोड़ दिया जाता है। तो भारत में अलग अलग कानून है, यूपी में अलग कानून है, और यूपी में कोर्ट भी नहीं है। नोएडा में श्रीकांत त्यागी का घर भी चला दिया, तोड़ दिया, तो बीजेपी के नेता ही चलेगा? अरे भैया वो बीजेपी वाली बात नहीं है, वो एक जनता का मसला आ गया था, तो इसलिए उनको मजबूरी में तोड़ना पड़ा। कह रहे योगी जी के यहाँ सबको समान न्याय मिलता है, हिंदू नहीं नहीं, मुसलमानों के ऊपर कोई न्याय नहीं है। देख लीजिए मुसलमानों जो मुस्लिम लीडर हैं उनके मकानों को कुर्क कराया जा रहा है, उनके मकानों को बुलडोजर फिरा जा रहा है, कितने हिंदू लोगों पे फेरा गया है। तो आप नहीं चाहते अपराधियों को बुलडोजर चले? अपराधी कोर्ट थोड़ी हो गए, योगी जी कोर्ट हो गए। अगर आप फांसी चढ़ा दो जो भी गलत काम करता है, हम कहते हैं कोर्ट फांसी चढ़ा दो कोई गलत काम करता है, लेकिन उसके मकान ने क्या कसूर किया है, उनके फैमिली मेंबर ने क्या कसूर किया है, और कोर्ट है या नहीं है हिंदुस्तान के अंदर? आप कोर्ट हो गए हो क्या? आपका काम है आप लॉ एंड ऑर्डर को रोकना, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को रोकना, फैसले करना कोर्ट का काम है। आप सुप्रीम कोर्ट बन गए हो, हाई कोर्ट भी बन गए हो, तो ये तो जो हो रहा है, इन्होंने तो जुडिशरी को खत्म कर दिया इन्होंने। तो यूपी में कोई कानून का राज नहीं है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई कचहरी है, योगी जी का अंदर कानून है जी। भाई हम देखो, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ना ही तो विष्णु में विश्वास रखती हूँ और ना ही किसी भगवान में। लोग मानते हैं ना, जो मानते हैं वो मनवाया जा रहा है, उनको मनवाया जा रहा है। एक जो विचार है, देखिए जो शिक्षा, मैंने पहले ही बोला शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जब हम वैज्ञानिक शिक्षा हासिल करेंगे, आज ये भारतीय जनता पार्टी इसीलिए वैज्ञानिक शिक्षा के सबसे ज़्यादा विरोधी है, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन विज्ञान का पाठ इस देश की महिलाओं ने पढ़ लिया, जिस दिन विज्ञान का पाठ इस देश के दलितों ने आदिवासियों ने पढ़ लिया, तो ये इनको भगवान मानना छोड़ देंगे। देखिए शिक्षा जो है वो, ये जो हमारे जितने भी पुराण हैं और जितने भी ये जो वेद हैं, इनमें जो बखान लिखा गया है ये उस समय का बखान है, वो आज से हजारों साल पहले का बखान है। लेकिन अगर हम देखें कि शिक्षा का उद्भव कैसे हुआ, शिक्षा का उद्भव रेनेसा पीरियड में हुआ, जब ज्ञान की ज़रूरत समझी जाने लगी, जब विज्ञान की ज़रूरत समझी जाने लगी, जब हमारे देश के और विदेश के लोगों ने शिक्षा की ज़रूरत को समझा, तब शिक्षा प्रदान की गई।